Hello students. Recently CBC released sample question papers for class 10th and 12th. Board examinations for the season 2020 and 21. It is observed a lot of changes in pattern of question papers, number of questions in question paper and case study type questions are also introduced. तो देखिए इस वर्ष की परीक्षा के लिए जो सी ने बोर्ड के एग्जामिनेशंस के पेपर पैटर्न में बदलाव किया है वो काफ़ी बड़े चेंजेस हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में क्या चेंजेस किए गए हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न 2020 एंड 21 क्लास टेंथ मैथमेटिक्स बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों का पैटर्न एक ही है सिलेबस एक ही है उसमें कोई चेंजेस नहीं है सिर्फ आपका जो चेंजेस होगा वो क्वेश्चन के लेबल में होगा अदरवाइज पैटर्न बिल्कुल दोनों का सेम रखा गया है देखिए आपके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा इसमें दो पार्ट होंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी अब पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं पार्ट ए में देखिए दो सेक्शन होंगे सेक्शन वन सेक्शन वन में क्वेश्चन नंबर वन टू सिक्सटीन आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे देखिए इसमें टोटल सिक्सटीन क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का एक मार्क्स होगा तो ये टोटल क्वेश्चन आपके सिक्सटीन मार्क्स से हो जाते हैं इसमें इन सिक्सटीन मार्क्स में आपका जो इंटरनल चॉइस होगी वो पांच क्वेश्चन में होगी देखिए सेकेंड पार्ट में आपके क्वेश्चन नंबर सेवनटीन टू ट्वेंटी ये एम टाइप के क्वेश्चन होंगे देखिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल नए टाइप के हैं ये केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन है एम होंगे सारे ये और केस स्टडी पे बेस्ड होंगे हर एक केस स्टडी के क्वेश्चन में आपके पांच क्वेश्चंस होंगे उनमें से कोई भी चार क्वेश्चंस आपको करने होंगे इट मीन्स ये नंबर ऑफ़ आप क्वेश्चन आपके हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं सिक्सटीन एंड इन ये भी वन मार्कर क्वेश्चन है देन टोटल इनका सिक्सटीन हो जाता है ना अब देखिए हम पार्ट बी की बात करते हैं पार्ट बी पार्ट बी में आपके थ्री सेक्शन्स होंगे सेक्शन थर्ड फोर्थ फिफ्थ देखिए थर्ड सेक्शन में भी आपके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सिक्स तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा एंड नंबर ऑफ आप क्वेश्चन आपके सिक्स होंगे और हर क्वेश्चन का दो मार्क्स होगा इट मीन्स थर्ड पार्ट में आपके टोटल ट्वेल्व मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं अब देखिए इसी का जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन से लेके 33 थर्टी थ्री तक ये शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन होंगे टोटल नंबर आप क्वेश्चन आपके सेवन होंगे और हर एक क्वेश्चन थ्री मार्क्स का होगा इस तरह से यहाँ भी टोटल आपका ट्वेंटी वन हो जाता है फिफ्थ पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो है आपके थर्टी टू से लेके 36 थर्टी सिक्स तक के क्वेश्चन आपके फिफ्थ पार्ट में आते हैं ये लार्ज आंसर टाइप्स क्वेश्चन होंगे एंड यहाँ पे देखिए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन थ्री हो जाते हैं और हर एक क्वेश्चन का फाइव मार्क्स होगा इट मीनस ये यहाँ पे फिफ्टीन मार्क्स बन जाते हैं अब देखिए एक बार इंटरनल चॉइस की बात कर लेते हैं हम लोग सेक्शन ए के फर्स्ट पार्ट में आपकी फ़ाइव इंटरनल चॉइस होगी पांच क्वेश्चनों में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी एंड सेक्शन बी का जो थर्ड पार्ट है वहाँ पे दो क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस होगी एंड क्वेश्चन एंड फोर्थ पार्ट में आपको फोर्थ पार्ट में भी दो क्वेश्चंस की इंटरनल चॉइस होगी एंड जो लास्ट फिफ्थ पार्ट है उसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी एंड देखिए ये सारे मार्क्स ऐड करने के बाद आपका टोटल एट्टी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ बन जाता है तो चलिए सी ने जो सैम्पल पेपर फॉर क्लास टेंथ रिलीज़ किया है उसको देख लेते हैं देखिए ये सैम्पल पेपर्स आपको डब्ल्यू इस वेबसाइट पर ये सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल होंगे आप इस साइट पे जाके इन सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं तो देखिए मैथमेटिक्स बेसिक कोड नंबर 241 इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है फॉर 2020 एंड 21 के लिए ड्यूरेशन आपका थ्री आर्स है मैक्सिमम मार्क्स एट्टी है द क्वेश्चन पेपर कॉन्टेंस टू पार्ट्स ए एंड बी बोथ पार्ट ए एंड बी हैव इंटरनल च्वाइस अब देखिए आप पार्ट ए देखते हैं इट कंसट ऑफ टू सेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्शन वन हैज सिक्सटीन क्वेश्चन इंटरनल चॉइसिस प्रोवाइडेड इन फाइव क्वेश्चन जैसे कि अभी हमने इन चीज़ों को समराइज करके आपको बता दिए हैं अच्छी तरह से सेक्शन सेकेंड हैज़ फोर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखिए जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपके हर एक क्वेश्चन में फाइव पार्ट्स होंगे और उनमें से सिर्फ आपको चार चार पार्ट करने इट मीन्स चार क्वेश्चन के चार पार्ट आपको टोटल सिक्सटीन एम सी क्यू के क्वेश्चन करने को मिलेंगे यहाँ पे अब पार्ट बी में देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सिक्स टू मार्क्स टू मार्कर क्वेश्चन है ट्वेंटी सेवन टू थर्टी थ्री थ्री मार्कर क्वेश्चन हैं एंड थर्टी थ्री टू थर्टी सिक्स फाइव मार्कर क्वेश्चन हैं और इंटरनल चॉइसेस के बारे में भी आपको बता रखा है आप चलिए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लेते हैं किस तरह का पैटर्न है देखिए बाकी क्वेश्चन तो अभी तक जो आपके ट्वेंटी क्वेश्चन एम वाले आते थे उनमें काफ़ी चेंजेस है अब ये वन वर्ड या बहुत छोटा आंसर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर वन टू सिक्सटीन तक सारे वन मार्क्स के क्वेश्चन हैं देखिए इस बार सी बी ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया है इसमें आपके कुछ केसेस दिए होंगे और इनके आंसर्स uh, आपको केस स्टडी करने के बाद इनके आंसर्स को आपको फाइंड आउट करना होगा तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको पहले केस स्टडी करना है और फिर उनके आंसर्स देने तो ये आपके 16 क्वेश्चन सारे एम सी क्यू बेस्ड हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 17 में एक अलग केस स्टडी दिया हुआ था एंड क्वेश्चन नंबर 18 में एक अलग केस स्टडी दिया हुआ है इस तरह से आपके ये चार क्वेश्चन में अलग अलग केस स्टडी होगा और उसमें एम सी क्यू क्वेश्चन होंगे इसके अलावा जो पार्ट बी है पार्ट बी में फिर आपके टू मार्क्स के क्वेश्चन है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है फिर टू मार्क्स के बाद थ्री मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और लास्ट में फाइव मार्क्स के क्वेश्चन है आपके कुछ देखिए बेसिक और स्टैंडर्ड का पैटर्न हंड्रेड परसेंट एक जैसा है इसमें कोई चेंजेस नहीं है जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा वो सेम होगा देखिए स्टैंडर्ड पेपर में स्टैंडर्ड मैथ्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप हो सकता है अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं है यहाँ भी देखिए सेम केस स्टडी वाले क्वेश्चन है सिक्सटीन तक एम सी क्यू है आपके और इसके बाद आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं देखिए इसके अलावा चाहे वो क्लास टेंथ का बेसिक का पेपर हो या स्टैंडर्ड पेपर हो दोनों का पैटर्न सेम है सिर्फ क्वेश्चन के लेवल में ही डिफरेंस हो सकता है तो यहाँ भी देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके थर्टी सिक्स होंगे आई थिंक आपको पेपर का पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अब आप इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे और सक्सेस होंगे थैंक यू हैवे नाइस डे